हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंजू। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज हम इंस्टेंट ढोकला बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने 2 बाउल बेसन लिया है, मिर्ची जिसको हमने इस तरह से काट लिया है, गार्निश के लिए धनिया, 1 पिंच बेकिंग सोडा, आधा टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 4 टेबलस्पून शुगर, 2 बड़े लेमन जूस निकाल लिए हमने, 1 पिंच हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक और पानी। तो चलिए सबसे पहले घोल बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्दी बिल्कुल ही कम यूज़ करें, अगर ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करेगी तो इसका लाल कलर आएगा। स्वादानुसार नमक, टू टेबल स्पून लेमन जूस, बाकी का हम तड़के के लिए यूज करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के स्मूथ बैटर बना ले इसका। घोल ज्यादा पतला ना हो, ज्यादा गाढ़ा ना हो। इसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूंगी। इस तरह से घोल बना लिया है हमने। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। हम तड़का बना लेते हैं। इसके लिए मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लूंगी। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें राई ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें मिर्ची डालूंगी। मिर्ची को इस तरह से काट ले। मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। मैंने 1 ग्लास से थोड़ा कम पानी ऐड किया है इसमें। नमक ऐड कर देंगे। पानी को उबाल आने के बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। ये चाशनी वाला तड़का बनाया है हमने, आप बिना चाशनी का भी तड़का बना सकते हैं। चीनी अच्छे से मिल चुकी है, अब हम इसमें लास्ट में नींबू ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून नींबू का जूस है ये, जिससे खट्टा मीठा टेस्ट आएगा इसको। तो हम 10-20 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। चाशनी तैयार है हमारी, हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। घोल हमारा रेडी है, 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए ढोकला बनाना स्टार्ट करते हैं। बैटर रेडी है हमारा। कुकर में इस तरह से स्टैंड पे ढोकले का बैटर रखने वाली हूँ। 20 मिनट हो चुके हैं, बैटर हमारा रेडी है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करने वाले हैं। ध्यान रखिए, इनो वाला ढोकला बिल्कुल भी ट्राई मत करिए, इसमें बहुत ही अलग वाला टेस्ट आता है। फटाफट से मिक्स करके
इस तरह के ट्राई में इसे डालना है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करते हैं। याद रखिए इसको फटाफट से मिक्स करके कुकर में रखना है हमें। अब देख सकते हैं बैटर थोड़ा फूल चुका है। अब हम इसे ट्रे में डाल के कुकर में रख देंगे। कुकर को मैं ढक के रख दूंगी। कुकर में मैंने नीचे पानी ऐड किया है, ये मिनिमम 20 मिनट तक होना चाहिए। इस तरह से पानी ऐड करें। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। कुकर की सीटी मैंने निकाल ली है। ढोकला रेडी होने में मिनिमम 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं स्पंजी ढोकला हमारा रेडी है, कितने अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, बाद में इसे निकाल लेंगे। ये कितना स्पंजी बना है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसको चारों तरफ से चाकू से इस तरह से निकाल लें। मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। अब हम इसे काट लेते हैं। हमने जो चाशनी रेडी की थी अब हम इसे इस पे डाल देंगे। इसे बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा और ये इसे सोख लेता है। आप इसे फ्रीज में रख दें। इसे फिर से ढोकला खाते वक्त यूज़ कर सकते हैं आप। अब मैं इस पर गार्निश के लिए धनिया डाल दूंगी। मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्पंजी बना है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।